Very good morning, my dear friends. In our recent topic under the obstetrics, we just begin with the topic of obstetrics. Gynecology we already finished. So when we discussing regarding the topic of obstetrics, we came through the one of the points that was embryology. Before embryology, we were discussing regarding the fertilization. हम किसकी बात कर रहे थे? We were discussing regarding the fertilization. We were discussing regarding the spermatogenesis, oogenesis. इन सारे points के बारे में हम लोग बात कर रहे थे. So guys, when the fertilization occurs, the new structure that is formed. So आपको इसके बारे में सबसे पहले फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन का मतलब मैंने क्या बताया था आपको? फर्टिलाइजेशन का मतलब या मीनिंग मैंने आपको बताया था, इट इज द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट. दैट इज अ सिंपल मीनिंग. ओके, अनदर वे में आप इसको कैसे कह सकते हो, इट इज द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम. एंड फ्यूजन के बाद में जो एक नई स्ट्रक्चर जो फ्यूजन होता है उसको हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन. और फ्यूजन के बाद जो एक न्यू स्ट्रक्चर बनती है, सिंगल सेल स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड जाइगोट. उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड जाइगोट. सो जाइगोट इज व्हाट? जाइगोट इज ए सिंगल सेल स्ट्रक्चर. जाइगोट के बारे में आप क्या कह सकते हो? जाइगोट इज ए डिप्लोइड स्ट्रक्चर. जाइगोट क्या है? जाइगोट इज ए डिप्लोइड स्ट्रक्चर. ये एक डिप्लोइड स्ट्रक्चर है. कितने क्रोमोसोम्स होंगे जाइगोट के पास? 46 क्रोमोसोम. बताइए कितने क्रोमोसोम हुए? 46 क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन दी जाइगोट. फाइन, अब चलिए हम लोग जाइगोट से ही आगे बढ़ाते हैं. यहीं से हमारा आगे का जो टॉपिक है वो शुरू होगा, एम्ब्रियोलॉजी. सो बेसिकली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्ब्रियोलॉजी? एम्ब्रियोलॉजी मीन्स इट इज द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो. इट इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियो की एक जो एक स्ट्रक्चर बनाता जाइगोट, इस जाइगोट का कैसे फर्दर ट्रांसफर होता है यूट्राइन कैविटी में. फर्टिलाइजेशन कहां पर होता है? फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन दी एम्पुला ऑफ फेलोपियन ट्यूब. ये फेलोपियन ट्यूब के कौन से पार्ट में होता है? इट टेक्स प्लेस इन दी एम्पुला. अब और आगे हम लोग चलते हैं गाइस. अब फर्टिलाइजेशन हुआ, जो जाइगोट बना, इस जाइगोट में आगे क्या सेल डिवीजन होंगे, इसकी फर्दर कैसे ग्रोथ होगी, इसका कैसे इम्प्लांटेशन होगा, इससे कैसे ऑर्गन्स बनेंगे, कैसे कार्डियक सिस्टम बनेगा, कैसे नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, तो कैसे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स बनेंगे, ये सारी चीजें, दिस ऑल थिंग्स कम्स अंडर द पॉइंट ऑफ एम्ब्रियोलॉजी. ये सब कुछ किसके अंडर में आता है? दिस ऑल थिंग्स कम अंडर द एम्ब्रियोलॉजी. सो लेट्स बिगिन द टॉपिक नाउ. एम्ब्रियोलॉजी के बारे में एक खट्टा मीठा एक्सपीरियंस आप बता सकते हो, थोड़ा बेटर, थोड़ा सा टेस्टी एक्सपीरियंस. व्हाई आई सेड दिस वर्ड इज लाइक बिकॉज फ्यू पीपल लाइक वेरी मच अबाउट एम्ब्रियोलॉजी. लाइक आई लव एम्ब्रियोलॉजी पॉइंट, बट मेनी पीपल बिकॉज ऑफ द न्यू टर्मिनोलॉजी दे हेट एम्ब्रियोलॉजी. इसमें बहुत सारे नए शब्दकोश होंगे. यू विल फाइंड मेनी न्यू वर्ड्स विच यू नेवर हर्ड इन योर लाइफ. आपने कभी भी नहीं सुने होंगे. तो दैट इज द रीजन पीपल डोंट लाइक, मेनी पीपल डोंट इवन लाइक द एम्ब्रियोलॉजी. बट ऑनेस्टली स्पीकिंग फ्रॉम द एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू, आपकी अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, तो हो सकता है कि दे मे नॉट आस्क सो मेनी थिंग्स अबाउट द एम्ब्रियोलॉजी. एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड आपको फ्यू क्वेश्चन मिल सकते हैं एग्जाम में, बट इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेंगे. बट इन द रियलिटी लेवल अगर आप बात करो, व्हेन यू रीड ऑब्स्टेट्रिक्स, I mean that, yeah, it's my experience says that you must understand about the different tricks, different terminology of the embryology. इसको सीखना अपने आप में एक valuable word होता है. So guys, without late, let's begin the topic. Fine. So zygote, सबसे पहले हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं. Zygote, zygote क्या है? It's a single cell. Zygote का formation कब हुआ? इट्स ए जीरो आवर स्ट्रक्चर. जाइगोट का फॉर्मेशन इमीडिएटली फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद हो गया था. जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ, मेल प्रोन्यूक्लियाई, फीमेल प्रोन्यूक्लियाई दोनों का फ्यूजन हो गया और एक नई स्ट्रक्चर बन गई जाइगोट. चलिए आगे पहुंचते हैं.
जाइगोट के बाद जो सिंगल सेल स्ट्रक्चर थी इससे बन जाता है टू सेल स्ट्रक्चर। इसमें सेल डिवीजन होता है आगे कोशिका विभाजन के द्वारा, अब कितनी सेल बन गई, टू सेल स्ट्रक्चर। ये कितने घंटे में बना, इट अकर्स ऑलमोस्ट अराउंड लाइक 30 आवर्स। ये कितने घंटे में बन गया, 30 आवर्स पे। और इस स्ट्रक्चर का नाम हो गया ब्लास्टोमियर। क्या नाम रख दिया हमने, ब्लास्टोमियर। सो दिस इज ए ब्लास्टोमियर। ब्लास्टोमियर कब बना, ऑलमोस्ट अराउंड दी 30 आवर्स पे। नेक्स्ट वन, टू सेल के बाद में फोर सेल स्टेज। जायगोट की कौन सी स्टेज, जायगोट का ही जो तीसरा फेज होता है दैट इज द फोर सेल स्टेज। इसको कितने घंटे में बनता है, इसका फॉर्मेशन होता है 40 to 50 आवर्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। मतलब ये कब बनेगा, फर्टिलाइजेशन के 40 से 50 घंटे बाद में, इसके 40 से 50 घंटे बाद में फर्टिलाइजेशन की। ओके, ये है फोर सेल स्टेज, इसका कोई पर्टिकुलर अलग से नाम नहीं है। नेक्स्ट इज एट सेल स्ट्रक्चर दैट अकर्स अराउंड 72 आवर्स। ये कब बनेगा, 72 आवर्स ऑफ द फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के 72 घंटे बाद में, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। मान लीजिए सुबह फर्टिलाइजेशन हुआ 9 बजे, तो उसका मतलब आप क्या कहोगे, मतलब उसके अगले 72 घंटे में जो स्ट्रक्चर बनेगी उसमें जायगोट की, उसमें कितनी स्ट्रक्चर लाइक कितनी सेल्स होंगी, देर विल बी मिनिमम 8 सेल तो डेफिनेटली वहां पर प्रेजेंट रहेंगी। उसके बाद नेक्स्ट इज 16 सेल स्ट्रक्चर दैट अकर्स एट 96 आवर्स। और इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मोरूला। व्हाट यू विल कॉल दिस स्ट्रक्चर नेम, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मोरूला। प्लीज डोंट फॉरगेट दैट, ये मत भूल जाना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। मोरूला का मतलब क्या हुआ, लाइक मोरूला का फॉर्मेशन सबसे पहले कितने घंटे पे हुआ, मोरूला फॉर्मेशन अकर्स ऑन द फोर्थ डे, कौन से दिन, चौथे दिन हुआ, एट 96 आवर्स पे। फाइन, ऑल राइट, मोरूला में कितनी सेल्स होती हैं, मिनिमम से मिनिमम 16 सेल, मैक्सिमम 64 सेल। तो 16 to 64 सेल स्ट्रक्चर जो होती है उस स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मोरूला। उस स्ट्रक्चर को हम क्या कह सकते हैं, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मोरूला। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोरूला का दूसरा नाम मलबेरी भी रखा गया है। क्या कह सकते हैं हम इसको, मलबेरी। मलबेरी का जो फ्रूट आता है वैसी स्ट्रक्चर होती है मोरूला की, इसलिए इसको मलबेरी भी बोलते हैं। ओके गाइस, ना अब आपको क्या समझ में आया, मैंने कहा था फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होता है एम्पुलरी जंक्शन पे, इसमें एम्पुलरी जंक्शन पे, या आप एम्पुला याद रखिए। फर्टिलाइजेशन होने के बाद फेलोपियन ट्यूब में पाए जाते हैं सीलिया। क्या पाए जाते हैं, सीलिया। सो सीलिया का काम क्या होता है, सीलिया इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सीलियरी मूवमेंट, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट इन द फेलोपियन ट्यूब। तो जैसे ही वहां पर जायगोट एम्पुला पार्ट में होगा, इस जायगोट को अब सीलिया धीरे धीरे यूट्रस की तरफ पुश करने लग जाते हैं। जैसे ये यूट्रस की तरफ पुश करेंगे क्या होगा, ये जो जायगोट है, जो जायगोट जिसमें अलग अलग सेल है, ये अलग अलग फेलोपियन ट्यूब के पार्ट में पहुंचेगा। और फाइनली जो मोरूला है, कौन सी चीज, मोरूला, दिस मोरूला ऑन द फोर्थ डे, कौन से दिन, ऑन द फोर्थ डे इट विल एंटर इन द यूट्राइन कैविटी। ये किसमें एंटर कर जाएगा, इट विल एंटर इन द यूट्राइन कैविटी। सो टिल द मोरूला, जायगोट से लेके मोरूला तक ये सब कुछ किसमें होता है, ये सारा सेल डिविजन किसमें होता है, इट टेक्स प्लेस इन द फेलोपियन ट्यूब। ये किसमें हुआ, फेलोपियन ट्यूब के अंदर में बेसिकली हुआ। फेलोपियन ट्यूब के जो डिफरेंट पार्ट थे, उन सब में हुआ। तो आपसे पूछे कि मोरूला का फॉर्मेशन फेलोपियन ट्यूब में कहां पर होता है, मेरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मोरूला का फॉर्मेशन फेलोपियन ट्यूब में कहां पर होता है, तो फेलोपियन ट्यूब का जो पहला पार्ट होता है यूट्राइन ओपनिंग की तरफ से, यूट्रस की ओपनिंग की तरफ से, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब इज कॉल्ड इंट्राम्यूरल पार्ट, इंट्राम्यूरल पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब विल हैव द फॉर्मेशन ऑफ मोरूला।
प्लीज याद रखना। तो ये सारी चीजें बेसिकली, ये सारे स्ट्रक्चर्स को बेसिकली फॉर्म में हुए थे। इन सब का फॉर्मेशन कहाँ हुआ था? फैलोपियन ट्यूब के ही जो अलग अलग पार्ट्स हैं उन सब में इनका फॉर्मेशन हुआ था। जैसे ही एक 16 से लेके 64 सेल्स का एक सेल्स का क्लस्टर बन गया, गुच्छा बन गया, जो कि मलबेरी फ्रूट के जैसा दिखाई दे रहा था, इसको पुश कर दिया जाता है, धक्का मार दिया जाता है किसकी तरफ? यूट्राइन केविटी की तरफ। सो नाउ व्हाट विल हैपन, द मोरूला विल एंटर इन द यूट्राइन केविटी। ओके, नाउ लाइक मोरूला के बारे में कौन से दिन बताया? इट एंटर्स इन द यूट्राइन केविटी ऑन फोर्थ डे ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये फर्टिलाइजेशन के कौन से दिन? फोर्थ डे। क्या करता है मोरूला? विल एंटर। इसमें कितनी सेल्स होती हैं? इट हैव 16 टू मैक्सिमम ऑफ 64 सेल्स। मोरूला विल हैव 'Now Morula will have some fluid-filled space and mucus covering around Morula. तो क्या हुआ? जैसे ही मोरूला कहां पर एंटर किया? फैलोपियन ट्यूब से यूट्राइन केविटी में एंटर किया। यूट्राइन केविटी में बहुत सारा ग्लाइकोजन और बाकी फ्लूड्स वगैरह प्रेजेंट था। एंडोमेट्रियम की सरफेस से बहुत सारे फ्लूड्स एंड न्यूट्रिशियस प्रोडक्ट रिलीज होते हैं। व्हेन मीनवाइल जो मोरूला था, मीनवाइल द पार्ट द मोरूला विच वॉज हैविंग लाइक मेनी ऑफ द लाइक मलबेरी लाइक सिस्टम्स, दिस पार्ट ऑफ द मोरूला स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द फ्लूड। ये क्या करने लग जाता है? ये फ्लूड प्रोडक्शन करने लग जाता है, इसमें फ्लूड फिल स्पेस बन जाते हैं। मीनवाइल जो एंडोमेट्रियम का जो म्यूकस वगैरह कवरिंग था, वो एंडोमेट्रियम का म्यूकस कवरिंग किसके ऊपर आ गया? पूरे मोरूला के ऊपर आ गया। जैसे ही मोरूला के ऊपर पूरा म्यूकस कवरिंग का फॉर्मेशन हो जाता है, ये प्रोग्रेस है कौन से दिन की? फिफ्थ डे की। मैं किसकी बात कर रहा हूं नाउ? फिफ्थ डे की। एंड नाउ द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट। अब इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट। प्लीज याद रखना किसके बारे में? ब्लास्टोसिस्ट के बारे में। सो व्हेन यू विल कॉल एज ए ब्लास्टोसिस्ट, व्हेन द मोरूला हैव ए म्यूकस कवरिंग, देन इट इज कॉल्ड एज ब्लास्टोसिस्ट। तो उसी मोरूला के ऊपर जब म्यूकस कवरिंग आ जाता है, फ्लूड फिल्ड स्पेस पूरा बन जाता है, मोरूला जो हुआ वो किसमें बदल गया? ब्लास्टोसिस्ट में बदल गया। और ब्लास्टोसिस्ट में क्या होगा? द ब्लास्टोसिस्ट विल ब्लास्ट। क्या हो जाएगा? ये ब्लास्ट हो जाएगा। ब्लास्ट होने का मतलब क्या था? इस ब्लास्टोसिस्ट के कारण से नाउ इस ब्लास्टोसिस्ट विल हैव टू केविटीज। इस ब्लास्टोसिस्ट के अंदर एक तो आउटर कवरिंग केविटीज बन जाएंगी, एंड इसी ब्लास्टोसिस्ट में एक इनर केविटी भी बन जाएगी। तो एक को बोलेंगे इनर सेल मास, और उसके जो बाहर वाला हिस्सा है उसको क्या कहेंगे? आउटर सेल मास। आउटर सेल मास जो होता है, आउटर सेल मास मतलब बाहर वाला, इट विल फॉर्म इन द फ्यूचर प्लेसेंटा। इसको ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। हम क्या कहते हैं? ट्रोफोब्लास्ट। और जो अंदर वाला एरिया है, इसको हम क्या कह सकते हैं? इट इज कॉल्ड एम्ब्रियो ब्लास्ट, एम्ब्रियो ब्लास्ट। तो ये आगे चल के क्या बनाएगा? एम्ब्रियो बनाएगा। और जो ट्रोफोब्लास्ट था वो क्या बनाएगा? प्लेसेंटा एंड प्लेसेंटल मेम्ब्रेन्स का फॉर्मेशन करेगा। ऑलराइट,
तो गाइज लाइक व्हाट वी अंडरस्टैंड, हमें क्या समझ में आया रिगार्डिंग एम्ब्रियोलॉजी, बेसिकली हमें एम्ब्रियोलॉजी से बेसिक इतना समझ में आया कि वहां पे सबसे पहले फर्टिलाइजेशन होता है ओवुलेशन के तुरंत बाद में। मान लीजिए 14th डे अगर ओवुलेशन हुआ तो अप्रोक्सीमेटली मैक्सिमम ऑफ 15th डे वहां पर क्या होगा, ओवुलेशन होगा एंड वहां पे फर्टिलाइजेशन होगा। एंड फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट एंड जो फर्दर जाइगोट की जो स्ट्रक्चर्स हैं वो सारी स्ट्रक्चर्स का निर्माण होगा। सो गाइस लाइक 0 to 2 weeks तक आप इसको क्या कहोगे, दिस स्ट्रक्चर विल कॉल एज ए जाइगोट, देन फ्रॉम द 3rd to 8th week द स्ट्रक्चर विल कॉल एज ए एम्ब्रियो, एंड फ्रॉम द 9th week ऑनवर्ड टिल द 40th week द स्ट्रक्चर विल बी कॉल्ड एज ए फीटस। हम स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, फीटस कहेंगे। तो जाइगोट, एम्ब्रियो एंड फीटस, ये तीन अलग अलग नाम होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर वीक्स। ऑल राइट, सो गाइज नाउ व्हाट हैपेंस, नाउ द स्ट्रक्चर इज एंटर इनटू द यूट्राइन कैविटी एंड नाउ द यूट्राइन कैविटी में क्या होगा, ये जो ब्लास्टोसिस्ट होगा ऑन 5th day, कौन से दिन, ब्लास्टोसिस्ट 5th day क्या हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है। मतलब ब्लास्ट होने के बाद में क्या होगा, ब्लास्ट का मतलब यह होता है द आउटर कवरिंग मेम्ब्रेन ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट इज कॉल्ड जोना पेलुसिडा। ये जोना पेलुसिडा जो लेयर थी सबसे बाहर कवरिंग लेयर, इट विल बिकम हेड। जैसे ये जो बाहर का कवरिंग रिज है जो काफी मोटा दिखाई दे रहा है आपको यहां पे डायग्राम में, दिस ब्लास्टोसिस्ट का जो आउटर कवरिंग शीट है इसका नाम क्या था, जोना पेलुसिडा। दिस जोना पेलुसिडा विल रप्चर या दिस जोना पेलुसिडा विल हैच आउट, That is called zona hatching. हम उसको क्या कहते हैं, zona hatching. मतलब blastocyst का blast हो जाना, zona pellucida का hatch हो जाना, zona hatching कहते हैं। और zona hatching मतलब blastocyst के टूटने के बाद दो चीजें बनेंगी, outer वाले को बोलेंगे हम लोग outer cell mass या trophoblast, और अंदर वाले को हम क्या बोलेंगे, embryo blast या embryo, जिसे आगे चल के क्या बनेगा, embryo का formation होगा। All right.